तो आज हम गए थे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के विजिट पे। वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह से होता है, बिफोर द ड्रिंकिंग हम वाटर के ऊपर क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन से यूनिट उसमें यूज किए जाते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। तो वाटर ट्रीटमेंट का फर्स्ट यूनिट है हमारा जो है स्क्रीनिंग चेंबर एंड ग्रिड चेंबर। इसमें से जो भी फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं वाटर में वो हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। उसी के साथ जो बारीक पार्टिकल्स रहेंगे सैंड के और ग्रिट के, उसे भी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। देन स्क्रीनिंग के बाद वाटर को जो है वो एयरेशन के लिए भेजा जाता है। एयरेशन मींस द वाटर इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सो दैट कि वाटर जो है हम एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करते हैं, ताकि जो वाटर में जो डिजॉल्व गैसेस है, जो डिजॉल्व मेटल है, वो जो है रिमूव हो सके और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसे भी बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए एयरेशन जो है वो हम डिजाइन करते हैं टू एक्सपोज द वाटर टू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट इज कोआगुलेशन। कोआगुलेशन दैट मींस एडिंग सम कोआगुलेंट टू द वाटर, दैट मींस हम इसमें कुछ एलम और कोआगुलेटर अदर कोआगुलेंट जो है उसमें मिला देते हैं, ताकि वाटर प्यूरिफिकेशन में फ्लॉक फॉर्मेशन हो और उसमें से जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो रिमूव हो सके। इसके लिए हम आगे जो है एलम अच्छे से मिले, इसके लिए हम इसमें मिक्सर लगा देते हैं और इसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसमें से जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगी वो हमारी होगी सेडिमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन। सेटलिंग टैंक जो है वो बड़ी वाली टैंक है, उसको सेटलिंग टैंक बोला जाता है या फिर सेडिमेंटेशन टैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर देखा होगा एक छोटी सी टैंक और थी जिसको बोला जाता है क्लैरिफिकेशन। क्या बोला जाता है? क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? क्लैरिफिकेशन का मीनिंग होता है फ्लॉक फॉर्मेशन। फ्लॉक फॉर्मेशन मैंने क्या मिला दिया उसमें? एलम मिला दिया। एलम मिलाने के बाद मुझे क्या करना है? जैसे देखो कपड़े में, कपड़े धोने के लिए हम क्या करते हैं? निरमा डालते बकेट में। निरमा डालने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है? छाछ लाने के लिए ऐसे 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 घुमाना रहता ना। तो वैसे ही वहाँ पे हमें क्या करना है? मिक्स करना है। तो आपने अंदर की तरफ देखा होगा उसमें देखो ऐसा घूम घूम रहा था, ऐसे वो घूम रहा था ना। तो उसके अंदर की टंकी में देखो ऐसे नीचे टाइप में दो ऐसे ये लगे रहते, रोटर लगे थे फैन, वो क्या कर रहे थे? पानी को ऐसे घुमा रहे थे ताकि वो एलम जो है वो पानी में अच्छे से मिल सके, वहाँ से फ्लॉक फॉर्मेशन हो सके। अब वो फ्लॉक क्यों जमा करना है? क्योंकि पानी में बहुत ही स्मॉल साइज के पार्टिकल रहते, छोटे छोटे पार्टिकल रहते, उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या रहती है? कम रहती है, ठीक है। इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो मैं जब उसमें एलम मिला देता हूँ, फ्लॉक बना देता हूँ, तो फ्लॉक जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, जो अपने सिल्ट है क्ले है वो नेगेटिव चार्ज रहता है। ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते? मिल जाते। और वो जो फ्लॉक है, छाछ है, वो क्या कर देता? वो सारे पार्टिकल को एक इसमें ऐसे ऐसे एक दूसरे में क्या कर देता? चिपका देता। उससे चिपकने से क्या होता है कि उसकी डेंसिटी जो है, उसका वेट जो है वो बढ़ जाता। किसका? वो जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे, उसका वेट बढ़ जाता और वो क्या होते हैं? सिल्ट जो है, क्ले जो है, वो पानी के नीचे जो है वो बैठ जाता। आफ्टर सेडिमेंटेशन वाटर जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, फिल्ट्रेशन।
नेक्स्ट यूनिट हमारा फिल्ट्रेशन, जिसमें दो टाइप के फिल्टर यूज किए जाते हैं। एक होता है स्लो सैंड फिल्टर एंड सेकंड वन इज अ रैपिड सैंड फिल्टर। यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर का यूज किया गया है, जिसमें एक बेसिन में आपके डिफरेंट साइजेस ऑफ सैंड जो है वो बिछाए गए हैं, जिसके ऊपर सेडिमेंटेशन से क्लीन हुआ हुआ वाटर इस टैंक में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, जिसमें से जो वाटर है वो परकुलेट होता है थ्रू द डिफरेंट साइज ऑफ सैंड, सो दैट द इम्प्यूरिटी विल रिटेन एट द टॉप ऑफ द सैंड लेयर एंड द क्लियर वाटर इज टू बी पेनेट्रेट थ्रू द सैंड। वहां से पूरी सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन मतलब क्या? आपके पार्टिकल जो है सेटल डाउन कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से अच्छा पानी है तो बाहर निकलेगा, निकल गया वो अच्छा बाहर निकलता हुआ पानी यहाँ से अंदर आता है, ठीक है। वो मच्छी तो बड़े पाइप से आती है ना, डैम से बड़े पाइप से पानी आ रहा है, तो बड़े पाइप से मच्छी भी सामने आ रही है, आते आते मर जाती है, ठीक है। डोंट टेक लो मच्छी हमारा मोटो नहीं है, ठीक है। वी आर इंजीनियर, फोकस ऑन वाटर, ठीक है, नॉट ऑन मच्छी, ठीक है। हाँ, तो पानी देखो वहाँ से इनलेट से जो है ना पानी अंदर आ रहा है, अब अंदर आना रहा, ये क्या है, ये है फिल्टर, ये क्या है फिल्टर। तो सेडिमेंटेशन और क्लैरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है अपनी फिल्ट्रेशन। क्या आता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन दो टाइप की होती है, एक होता है स्लो सैंड फिल्टर, एक होता है रैपिड सैंड फिल्टर, RSF, रैपिड सैंड फिल्टर। ये वाला कौन सा है? रैपिड सैंड फिल्टर है। अब रैपिड सैंड फिल्टर में क्या रहता है, जो पानी आया है ना इसके नीचे मैंने ऐसे देखो ये दिख रहा है चेम्बर दिख रहा है, वो चेम्बर के अंदर मैंने क्या किया है, चेम्बर के अंदर ऐसे लेयर में मैंने सैंड डाली है, एकदम बारीक वाली सैंड सबसे नीचे, उससे थोड़ी सी बड़ी वाली सैंड ऊपर, फिर बड़ी वाली ऊपर, ऐसे जो है ना लेयर में मैंने क्या कर दी है, सैंड जो है वो डाल दी इस टैंक में, दिख रहे छोटे छोटे चेम्बर, उसमें सैंड मैंने डाल दी। अब वो क्या होगा कि ये पानी जो सेडिमेंट होके आया वो यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, लेयर है सैंड की, वो सैंड के लेयर से पानी पास हो रहा है, सैंड की लेयर से पानी क्या हो रहा है, पास हो रहा है और वो नीचे जा रहा है, इसके नीचे फिर क्या लगे हैं, पंप लगे हैं, वो पंप से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब वो पानी सैंड के अंदर से पास होता तब जो उसमें सिल्ट के पार्टिकल है, मिट्टी के पार्टिकल है, वो सैंड के ऊपर जमा हो जाते, सैंड के ऊपर क्या होंगे, वो जमा होंगे और अपना क्लियर पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, जो हमारे पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब ये जितनी बार उसमें से पानी पास होगा उतनी मिट्टी क्या होगी, उसके ऊपर जमा होती जाएगी सैंड के ऊपर, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सैंड में से पानी पास ही नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएंगे उसके होल्स, तब मुझे क्या करना रहता, तब मुझे इसको क्लीन करना रहता, क्या करना रहता, क्लीन करना रहता। तो क्लीन करने के लिए क्या सिस्टम लगी है, तो क्लीन करने के लिए इसके नीचे से ये सैंड के बेड जो रखे ना, वो सैंड के बेड के नीचे से मैंने पाइप लगा के रखा है, जिसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ खोल दिए, ठीक है। और होल में क्या किया मैंने, कॉम्प्रेस एयर एकदम दबाव वाला, ठीक है। तो ये क्या करता, अगर मुझे यहाँ से क्लीन करना है इसको, मैं वो इनलेट बंद कर देता, मतलब इसमें आने वाला पानी जो है वो बंद कर देता, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये पानी पूरा निकल जाएगा, हमें सैंड दिखने लगेगी, सैंड दिखने लगेगी। अब मैं क्या करता, इसके नीचे से पानी ऊपर की तरफ फेंकता, नीचे से पानी क्या करता, ऊपर की तरफ फेंकता, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर इसकी मिट्टी बची हुई है, मिट्टी जो है ना जमा हुई, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, ऊपर निकल के आएंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे खदखद नहीं क्या, ऐसे ऊपर आ जाएगी मिट्टी पूरी, ठीक है, पूरी मिट्टी ऊपर आ जाएगी, वो मिट्टी वाला पानी हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर से अपने सैंड वाले फिल्टर जो है वो पूरे क्लीन हो जाएंगे। यहाँ से जो फिल्टर होकर पानी निकलता है वो चला जाता है क्लोरीनेशन के लिए, कहाँ पे जाता है, चलो क्लोरीनेशन देखते हैं, ठीक है। ये है बैक वॉशिंग की प्रोसीजर जो हमने रैपिड सैंड फिल्टर के नीचे लगाई गई थी। देन जो रैपिड सैंड फिल्टर से क्लीन हुआ हुआ वाटर जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ क्लोरीनेशन के लिए निकल रहा है। कंप्रेसर क्या करेंगे आपके, ये जो है कंप्रेस एयर बनाएगा विद वाटर, क्लीन वाटर जो है वो कंप्रेस एयर से हवा से पाइप पूरे आउटलेट है, ये कंप्रेस एयर बनाएगा और वो क्लीनिंग के टाइम पे ये कंप्रेस एयर जो है ये पाइप के थ्रू फिल्टर में चला जाएगा। वो जो येलो वाला टैंक दिख रहे हो,
ठीक है, गैस सिलेंडर वो येल्लो वाले, तो ये येल्लो वाले जो सिलेंडर है वो कौन से अपने क्लोरीन के टैंक्स हैं, जिसमें ये क्या है क्लोरीन भरा हुआ है। ठीक है, तुम लोग मजा इसमें हम क्या करते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं। अब क्लोरीन जो है दो फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, गैस फॉर्म में भी रहता है, लाता है सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, तो एक तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर हम ब्लीचिंग पाउडर में मिला सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में, हमें कोई भी लिक्विड मिलता है फॉर्म में मिला सकते हैं। ये मिलने के बाद फिर हम क्या करते हैं पानी की टेस्ट करते हैं, पानी टेस्ट के बाद उसकी पीएच चेक करते हैं, टर्बिडिटी चेक करते हैं, क्लोरीनेशन चेक करते हैं, सब कुछ चेक करने के बाद ये पानी चला जाता है स्टोरेज रिजर्वायर, मतलब ESR जो बड़ी है ना पानी की टंकी, देखिए वो टंकी में पानी चला जाता है, वहाँ से फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में घर तक चला जाता है। ये है उसका फ्लो चार्ट, सबसे पहले स्क्रीनिंग, ग्रीड चेम्बर, एयरेशन, सेडिमेंटेशन, हाँ कोआगुलेशन, कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लस क्लोरिफिकेशन, रैपिड सैंड फिल्टर, देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के बाद पानी जाता है ESR एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर, देन डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस है वो रहेगा।